नमस्कार। आज आपको बताएंगे हम अष्टमैथुन से हानियाँ और उस हानियों की वजह से आपके जीवन में, विकास में क्या क्या बाधाएं आती है। ये जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन अनजान आदमियों को आगे बढ़ने का एक मौका मिले, वो प्रगति रहे। उम्र कच्ची होती है, गलतियां हो जाती है, और गलती हो चुकी है तो उस गलतियों के दलदल से कैसे बाहर निकला जाए वो बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जो भुगतभोगी है, जो बड़े बेशर्मीले होते हैं अष्टमैथुन की वजह से, क्योंकि एक एकांत प्रिय में होने से शर्मिलापन तो होता ही है, साहस का अभाव होता है, नज़रें नहीं मिला पाते हैं लोगों से, और कहीं भी आगे रहना है वहाँ पे वो पीछे रहेंगे हमेशा। तो तात्पर्य कि किसी के पास जाना है तो उस दौरान उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो जो बात उनको करनी है वो कर नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से आगे धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में एक बाधा आना शुरू हो जाती है और नकारात्मक विचार होना शुरू हो जाता है, और जब नकारात्मक विचार का रास्ता पकड़ लेता है तो पीछे मुड़ नहीं पाता जब तक उसे अच्छा गुरु नहीं मिलता। और नकारात्मक विचारों की प्रभाव से दिन के कार्य के संपादन में बड़ी कठिनाई आती है, जिसकी वजह से वो एक अचेतन अवस्था में भयभीत रहता है, जो तर्कहीन भय है फिर भी वो डरा हुआ रहता है, और काम करते वक्त उसके हाथों में, काफ़ी लोगों में जो आहार से कुपोषित है उन्हें कंपन होना शुरू हो जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन्हें डर लगता है, कहीं कोई महिला मित्र अगर पुकार ले तो भी दिक्कत होती है, महिलाओं में की तरह शर्माना शुरू हो जाते हैं और आंख से आंख मिलाने में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात ये शौर्य नहीं है कि महिला के आंख से आंख मिलाए, पर उन्हें एक ये ऐसी आदत हो जाती है कि आगे कहीं बढ़ना है तो उस तनाव में रहते हैं, और तनाव हमेशा दुखदायी होता है। उस तनाव में इंसान घुटता रहता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है जीवन में। इसलिए कोशिश कीजिए आप इससे बचिए। अगर आप इस दलदल में फंस चुके हैं और आपको कठिनाई महसूस होती है, टिप्पणी कीजिए, आपके टिप्पणी का जवाब देंगे और इसका उपचार निदान बताएंगे। और कोशिश कीजिए, हमारे फ़ोन नंबर जो अंदर दे दिए गए हैं उनसे करीब करीब आप फ़ोन ना करें, हम परेशान हो जाते हैं अतार्किक फ़ोनों से। व्हाट्सएप करेंगे तो आप उसका जवाब हम दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, और कोशिश करेंगे बड़े वीडियो, अच्छे वीडियो समय आने पे हम लाएंगे ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।